नमस्कार, मैं श्रुति झा। आज है 11 जनवरी, आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बेगूसराय का कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य मछलियों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बेगूसराय जिले में स्थित कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस झील में आप मछलियों की 30 से ज्यादा प्रजाति, 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी और 106 स्थानीय प्रजातियों के पक्षियों को निहार सकते हैं। 1984 में बिहार सरकार से पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्राप्त यह स्थल बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों वाला है। यहां रोजाना दूर दराज से सैलानी मनमोहक वातावरण एवं पक्षी बिहार के लिए आते रहते हैं। पटना में 11 तारीख को कोल्ड डे की हुई घोषणा। बिहार में अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा हम नहीं बल्कि मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग ने हाल ही में अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को समूचे बिहार में कोल्ड डे की घोषणा की गई है। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे तनुश्री दत्ता। तनुश्री दत्ता का जन्म बिहार के जमशेदपुर में 19 मार्च 1984 में हुआ था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है, जहां पर तनुश्री ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की थी। इसके पश्चात तनुश्री मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई रवाना हो गई। तनुश्री के अगर मॉडलिंग करियर की बात करें तो साल 2004 में तनुश्री को फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, साल 2004 में हुए मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में तनुश्री दत्ता टॉप 10 कंटेस्टेंट में से एक थी। भले ही इन दिनों तनुश्री फिल्म की दुनिया से दूर हैं, मगर एक समय था जब तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड को एक से एक शानदार फिल्में दी थी। पटना में मकर संक्रांति के अवसर पर नहीं होगी दूध और दही की कमी। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को दूध दही के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट के तहत इस बार बाजार में 32 लाख लीटर दूध, 450 टन दही और 31 टन पनीर और 8 टन पेड़ा की आपूर्ति ग्राहकों के लिए की जाएगी। इसके अलावा राजधानी में रोड मिल्क टैंकरों के जरिए विशेष काउंटरों से दही और दूध को उपलब्ध कराया जा रहा है। पराली प्रबंधन से महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली को लेकर पश्चिम चंपारण पहुंचे थे, जहां उन्होंने पराली को लेकर लोगों को जागरूक किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब महिलाएं पराली से आत्मनिर्भर हो रही हैं। बगहा प्रखंड की कई महिलाएं पराली से अब चटाई और बिठाई बना रही हैं। रामपुर की सुभावती देवी ने बताया कि पहले भी इस तरह के कार्य होते थे, लेकिन अब महिलाएं इससे जुड़ रही हैं। अब लोगों को इससे रोजगार मिलने लगा है। ई बाजार जेम पोर्टल से खरीदारी करने वाला चौथा राज्य बना बिहार। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ई बाजार जेम पोर्टल के बारे में बोलते हुए कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से 704.31 करोड़ रुपए की खरीदारी करते हुए बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है। आने वाले दिनों में हम 1000 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि नगर निकायों द्वारा सर्वाधिक 305 करोड़ रुपए, समाज कल्याण 137 करोड़, गृह 118 करोड़, स्वास्थ्य 26 करोड़, विज्ञान व प्रौद्योगिकी 24 व शिक्षा विभाग की ओर से 21 करोड़ रुपए की ऑनलाइन खरीदारी जेम पोर्टल के जरिए की गई है। दरभंगा में बनेगा राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल। बिहार के दरभंगा में राज्य का दूसरा एम्स अस्पताल बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिहार सरकार के स्पष्टीकरण के साथ मिले प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। इससे पहले अस्पताल की जमीन को लेकर केंद्र ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अधिकारियों ने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने और अनौपचारिकताएं पूरी हो अधिकारियों ने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने और अनौपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस साल के अंत तक दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। कबड्डी स्पर्धा में बिहार की शानदार शुरुआत। सोनपुर के गुवाहाटी में शुरू हुए तीसरे खेलों इंडिया यूथ गेम्स कबड्डी स्पर्धा में बिहार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्ग में जीत दर्ज किया है। खेले गए मुकाबले में बिहार की बालक और बालिका टीमों ने दिल्ली को पराजित कर खिताबी अभियान की शुरुआत की। बिहार बालक वर्ग ने दिल्ली को 35-31 से हराया तो वहीं बालिका टीम ने दिल्ली को 41-38 से हरा कर शानदार आगाज करने में कामयाब रही। बेटी के जन्म पर बधाई संदेश मुहिम अब पूरे राज्य में होगी लागू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के 9वें चरण में बांका पहुंचे, जहां उन्होंने चांदन जलाशय का दौरा किया। साथ ही सीएम ने जिले में संचालित होने वाली कई योजनाओं का अवलोकन किया। इसी क्रम में उनकी नजर बेटे के जन्म पर प्रस्ति पत्र और बधाई संदेश देने की अनूठी पहल पर पड़ी, जिसके वे कायल हो गए। इसके बाद उन्होंने इसे सभी जिले में लागू करने का आदेश जारी किया। जूनियर इंजीनियर के 200 पदों के लिए निकली बहाली। रोजगार की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर। माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने जूनियर इंजीनियर के 200 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल ब्लॉक क्लॉक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 तक दी गई है। देवेंद्र कुमार ने जन्मदिन के अवसर पर मुफ्त में बांटी वंशावली।
भोजपुर जिले के सहार प्रखंड के रिटायर्ड शिक्षक देवेंद्र कुमार उर्फ वर्वन मुनि ने अपने 74वें जन्मदिन पर पूरे गांव को मुफ्त में वंशावली बांटी। उन्होंने बताया कि जब वे रिटायर होने के बाद घर लौटे तो उन्हें वंशावली की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद असलम के सहयोग से जरूरी कागजात को जमा किया, जिसमें उन्हें 2 साल 8 महीने 16 दिन लगे। अब पूरे गाँव की वंशावली बनकर तैयार है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर गाँव के लोगों को मुफ्त में वंशावली बांटी। जदयू के नए बूथ अध्यक्ष और सचिवों का सम्मेलन हुआ पूरा। 200 विधानसभा क्षेत्रों में जदयू के नए बूथ अध्यक्षों और सचिवों का सांगठनिक सम्मेलन पूरा हो गया है। इस सम्मेलन में जदयू के राष्ट्र महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने बूथ अध्यक्षों और सचिवों के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। इस तिलकामांझी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की बढ़ी डेट। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि बढ़ गई है। अब 27 जनवरी को चुनाव होगा और 28 जनवरी को मतगणना होगी, जबकि 18 से 20 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इधर छात्रों का कहना है कि मकर संक्रांति बीच में होने के चलते चुनाव की तैयारी पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए चुनाव की तिथि और बढ़ाई जाए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 100 सीटों पर किया दावा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस के वरीय नेता रविंद्रनाथ मिश्रा ने कहा है कि झारखंड के परिणाम को देखते हुए बिहार में जनता कांग्रेस पर भरोसा रख रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इधर वीआईपी पार्टी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा और मैट्रिक परीक्षा की डेट शीट हुई जारी। बिहार बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा और 10वीं की परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2020 तक दोनों पालियों में ली जाएगी, तो वही मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ली जाएगी। आपको बता दें कि पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक होगी, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से लेकर 5 बजे तक ली जाएगी। इसके अलावा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ उतरना चाहती है आरजेडी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजद कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से कह दिया गया है कि दिल्ली में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखकर राजद को दिल्ली में भी गठबंधन की उम्मीद है, इसलिए राजद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि वह राजद को कितनी सीटें देंगी। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेकर जिले में शुरू होगा जागरूकता अभियान। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने के लिए कला संस्कृति विभाग हर जिले में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक करेगा। इस बाबत संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार और सचिव एस परमार ने नुक्कड़ कर्नाटकों के आयोजन के लिए हर जिले में 50,000 रुपए जारी किए हैं। इधर विभाग के उप सचिव ने सभी डीएम को एक पत्र लिखकर कहा है कि जल जीवन हरियाली योजना के उपयोग और लाभ को लेकर जिले में 15 जनवरी तक नुक्कड़ नाटक करवाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने मांगी 43 सीट। लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर अपना दावा किया है। पशुपति पारस ने कहा है कि पार्टी ने 119 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 में लोजपा ने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में 17-17-6 के फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग हुई थी। इसी तर्ज पर लोजपा ने बिहार विधानसभा में भी 100-143 के फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग की बात कही है। राजद करेगी अब प्रतिरोध सभा। राष्ट्र जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध सभाओं के जरिए लोगों से संपर्क साधने की योजना बनाई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर लोगों के बीच पहुंचने की योजना बनाई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद के निर्देश पर तेजस्वी यादव बिहार के विभिन्न जिलों में प्रतिरोध सभाएं करेंगे और बताएंगे कि यह कानून किस तरह समाज में खराब माहौल पैदा कर रहा है। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। बीजेपी को महिला विरोधी बताने पर सुशील मोदी का करारा जवाब। राजद द्वारा बीजेपी को महिला विरोधी बताने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जवाब देते हुए कहा है कि राजबल्लभ यादव और अरुण यादव जिस पार्टी से विधायक हैं, वे दूसरों को महिला विरोधी बताते हैं। उप मुख्यमंत्री ने राजद को अपने घर में देखने की नसीहत देते हुए कहा है कि महिला रिजर्वेशन बिल की कॉपी किसने फाड़ी थी। अब चलिए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। पटना समेत कुछ जिलों में बारिश होने के कारण ठंड से निजात मिलेगी अभी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना,
पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल और कैमूर में ठंड का असर बढ़ेगा। साथ ही साथ कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की धूप की संभावना भी बनी हुई है। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में ठंड का असर बरकरार रहेगा। तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। बिहार वासियों को अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार राहत देने का मन बना भी रहा है या फिर नहीं। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 10 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,540 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 42,570 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.58 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 73.77 रुपए प्रति लीटर था। अलीगढ़ में नहीं रिलीज हुई छपाक। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है, लेकिन अलीगढ़ ने अपने यहाँ के सिनेमाघरों में इस फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगा दी है। कारण है कुछ दिनों पहले दीपिका पादुकोण का जेएनयू परिसर में जाना, जिसके पश्चात कुछ हिंदूवादी संगठन ने इस फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कई दिनों तक छपाक फिल्म को रिलीज ना करने की अपील भी की गई। हालांकि सभी अटकलों के बावजूद छपाक अलीगढ़ के अलावा बाकी सभी जगहों पर रिलीज की जा चुकी है। रवि शास्त्री का धोनी के संन्यास पर बड़ा बयान। भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री का धोनी के संन्यास को लेकर बड़ा बयान आया है। एक इंटरव्यू में शास्त्री ने कहा कि धोनी वनडे क्रिकेट से जल्द संन्यास की घोषणा कर देंगे। शास्त्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब धोनी जिस उम्र में है वे बस T20 फॉर्मेट खेलना जारी रखेंगे। शास्त्री के इस बयान से धोनी के संन्यास की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि धोनी ने अभी तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे मुंगेर के भीम बांध। अपने जल जीवन हरियाली यात्रा के 7वें चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर के भीम बांध पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए स्नान के लिए बनाए गए कुंडों का अवलोकन भी किया। इतना ही नहीं, मुंगेर के भीम बांध के दौरे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई के लिए रवाना हो गए थे। ज्ञात हो इस जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत जमुई में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, अगर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बनती है तो आपके हिसाब से कितने कितने सीटों के बंटवारे होने चाहिए। इसका जवाब हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बिहार जगत से जुड़ी तमाम खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।